वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। ठहरो जिंदाबाद के मारने ये कानून बना दिया, 2 साल तक क्यों रुकेगी प्रधानमंत्री वो क्यों रुकेगी? मगर प्रधानमंत्री के पास जवाब दे, मैंने कानून बना दिया। अरे अगर तुमको कानून बनाना था तो तू, हमने तजवीज पेश की कि जब मुसलमानों में शादी होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जन्म जन्म का साथ नहीं होता ना, हमारे लिए एक ही जिंदगी है, वो भी बहुत परेशानी से गुजार रहे हैं। हमको मालूम, हमको घर जाना है, लोग हमसे पूछते तुम इतना भड़काओ क्यों बोलते, हम बोलते हम घर में नहीं बोल सकते, भड़ा पब्लिक में आके निकालते हैं। ये पूछ लो जो शादीशुदा है, पूछ लो उनसे, असल बीटी तो हम घर में बन जाते, इन दीवानों को मालूम नहीं हम कहां की बीटी है। ट्रिपल तलाक दे देगा तो कानून मोदी जी का यह बोल रहा है कि शादी नहीं टूटती, मगर केस बुक होगा और जेल को जाएगा। अब जेल को चला गया, कोर्ट ने उसको सजा दे दी 2 साल की, तो शादी नहीं टूटेगी, हमारी बहन 2 साल तक उस बेवकूफ का घरे का इंतजार करेगी। वो जेल से जब निकलेगा तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी बहन तेरी शादी भी नहीं टूटी, और जब वो जेल से निकलेगा तो तू जेल के सामने चले जा, सीतापुर की जेल के सामने चले जा और बैंड बाजे के साथ जा, और जब तेरा वो निकम्मा गधा निकलेगा तो उसको गाने से इस्तकबाल करना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। घर किसका बर्बाद हुआ, खेत किसकी वीरान हुई, इबादतगाह किसकी वीरान हुई, बच्चे किसके यतीम हुए, किसकी माँ और बहनों की इज्जत लूटी गई, आपको तो कुछ होता नहीं है, निशाने पर हम आ जाते हैं मगर आप डराते हैं बीजेपी से, हमको क्यों दे दो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से और अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपने इस हिस्सेदारी की लड़ाई में हिस्सा लीजिए। तीसरी बात, कल देश के प्रधानमंत्री एक वर्चुअल रैली में कहे कि मैंने ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का कानून देश के मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया, और कह रहे हैं कि आपको पसंद है कि कोई बच्ची घर को आ जाए। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है। अल्लाह ताला तुम उस विरासत को खत्म कर दोगे हमेशा के लिए, जानते हैं। तुम्हारा वो दावा छोड़ो MY MY, अब खाली तुम वाई वाई करते रहो, एम तुमको बाय बाय करके जा चुका है इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखिए बीजेपी की सरकार यहां पर है, क्या किया बाबा की सरकार ने? कुछ नहीं किया। फिर बोलते कि हमने पूरे क्रिमिनलों को भगा दिया, हर क्रिमिनल भाग चुका है, माफिया भाग चुका है, तो हमारी गाड़ी पर किसने गोली चलाई थी, कौन हमारी जान लेने की कोशिश किया 6.5 फीट से, कहां से उनको वो तफंचा मिला? मोदी जी भी बोले कि पूरे माफिया जेल को चले गए। मोदी जी ये जेल को क्यों नहीं गए थे? ये कौन थे ये लोग? ये कौन से किसकी औलाद थी? ये तो गोडसे की नाजायज औलाद, हम पर गोलियां चलाई, इनको बाबा ने नहीं देखा, इनको मोदी जी ने नहीं देखा। आप कहते हैं कि पूरा माफिया भाग गया, जेल में चला गया, अरे भाई ये माफिया कौन है? इनको कौन इस तरह की नफरत इनके जहनों में डाल चुका है कि 80-20 की बात करने से इनमें नफरत नहीं पैदा होती, क्या गर्मी और सर्दी पैदा करने की बात से नौजवान में नफरत नहीं पैदा होती, कि ठोक दो की पॉलिसी से नफरत नहीं पैदा होती? बताओ तुम जिम्मेदार हो अगर रेडिकलाइजेशन हुआ है तो ये हजरत नाथ, उत्तर प्रदेश की सरकार रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदार है, जिसकी बिना पर लोग बुलेट पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।